भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंची सानिया ने मीडिया के सामने कहा कि वह इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद टेनिस को बाय बाय कर देंगी। सानिया मिर्जा की उम्र 36 साल हो चुकी है और पिछले कुछ समय से वह चोट से भी परेशान हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि चोट के कारण उनकी 2022 की रिटायरमेंट योजनाओं में थोड़ी देरी हुई। US ओपन में भी वह चोट की वजह से नहीं खेल सकी थी। सानिया मिर्जा इस महीने कजाकिस्तान की एना डेनिलिना के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन में जब उतरेंगी तो वह मिर्जा का करियर का आखिरी ग्रैंड स्लैम पार्टिसिपेशन होगा। सानिया ने कहा कि मैं ईमानदारी से कहूं तो मुझे अपनी शर्तों पर काम करना पसंद है, इसलिए मैं चोट के कारण बाहर नहीं होना चाहती थी। मैं ट्रेनिंग ले रही हूं। सानिया ने कहा कि उनका आखिरी प्रोफेशनल टूर्नामेंट दुबई टेनिस चैंपियनशिप 19 फरवरी से शुरू होगा। हालांकि सानिया के पिता इमरान ने पिछले साल कहा था कि WTA फाइनल में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के खिलाफ मैच खेलकर करियर को अलविदा कहना करियर खत्म करने का सबसे बेहतर विकल्प होता, लेकिन चोटों ने उस योजना को पूरा नहीं होने दिया। विंबलडन में वह मिक्स डबल में फाइनल से चूक गई थी। सानिया के करियर को देखें तो डबल्स में उन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और विश्व की नंबर 1 डबल्स खिलाड़ी बनी हैं। हालांकि उससे पहले सिंगल्स में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। वह एक समय सिंगल्स में 27 रैंकिंग पर पहुंच गई थी और साल 2005 में US ओपन के चौथे राउंड तक पहुंची थी। साल 2013 में सानिया मिर्जा ने सिंगल्स से संन्यास ले लिया था और तब से वह सिर्फ डबल्स खेल रही हैं। करियर की शुरुआत की बात करें तो निजाम क्लब हैदराबाद में सानिया ने 6 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू किया था। महेश भूपति के पिता और भारत के सफल टेनिस प्लेयर CK भूपति से सानिया ने अपनी शुरुआती कोचिंग ली। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने 1999 में विश्व जूनियर टेनिस चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर की। इसके बाद एक एक करके वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गईं। अब तमाम लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है कि आखिर सानिया मिर्जा रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगी, तो उसका जवाब भी सानिया मिर्जा ने दिया है। उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद दुबई में अपनी एकेडमी पर वह ध्यान केंद्रित करेंगी। सानिया करीब एक दशक से अधिक समय से दुबई में रह रही हैं और वहां एक टेनिस एकेडमी भी खोली है। इसके अलावा उन्होंने हैदराबाद में भी टेनिस एकेडमी की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा, मेरे लिए उन जगहों पर अपने अनुभव साझा करना बहुत महत्वपूर्ण है जहां मैं रहती हूं। मेरे पास एक एकेडमी हैदराबाद में और एक दुबई में है। अब सानिया के आखिरी ग्रैंड स्लैम पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं। उनके फैंस उनके बेहतर प्रदर्शन की दुआ कर रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। हम आपकी पसंद के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ, जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।